240,000 रुपए की कीमत में एक फोन लेना, वो भी प्रीमियम फ्लैगशिप फोन, बहुत ही कठिन हो जाता है, क्योंकि इसमें आप लोगों को बहुत ही रिसर्च करनी पड़ती है, एनालिसिस करना पड़ता है कि आपको कौन सा फोन सूट करेगा 40,000 रुपए की कीमत में। और आप कहीं ऐसे तो पैसे नहीं लगा दे रहे हैं जहाँ पे आपके पैसे बर्बाद हो जाएं और आपको वो मज़ा भी ना मिल पाए जो 40,000 रुपए की कीमत में आप लेना चाहते हैं। जब भी कोई 40,000 रुपए लगाता है तो बहुत ही बड़ी बात हो जाती है कि 40,000 रुपए का एक फ़ोन लेने जा रहे हैं, जिसको प्रीमियम फील होना चाहिए, उसके इन हैंड में बहुत ही अच्छा लगना चाहिए, उसके डे टू डे वर्क में, मल्टीटास्किंग वर्क में, या फिर हैवी ड्यूटी वर्क करना हो, हाई इन गेम्स को खेलना हो, या फिर उसको कोई 3D वर्क करना हो, ऐसे कोई भी काम करना हो अपने फ़ोन में, तो उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए कि वो 40,000 रुपए का फ़ोन लिया उसने तो वो उस फ़ोन में वो वर्क कर सके। ये सारी चीज़ें उसमें होना चाहिए, एक ज़बरदस्त प्रोसेसर होना चाहिए, एक बहुत ही अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस होना चाहिए, एक बड़ी बैटरी होना चाहिए, साथ ही साथ एक बड़ी डिस्प्ले होनी चाहिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत फ़ोन लगना चाहिए। ये सारी खूबियाँ सभी चाहते हैं 40,000 रुपए के फ़ोन में, और सभी का बजट नहीं होता है कि वो 40,000 रुपए की बजट में एक ले ही लें, क्योंकि प्रीमियम फ्लैगशिप फ़ोन इसमें भी आप लोगों को थोड़ा सा सर्च करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि आप लोगों का सर्च करना, एनालिसिस करना, वो सारी चीज़ों को बचा दूं और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बेस्ट वीडियो सी दूं, जिसमें आप खुद सोच सकें कि 5 फ़ोन में से मुझे कौन सा फ़ोन लेना है, और मैं जो सबसे पहले नंबर पर बताऊँगा तो सबसे बेस्ट होगा ही, उसके अलावा आप खुद अपने दिमाग से सोच पाएंगे कि आपको टॉप 5 में से कौन सा फ़ोन लेना है। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मैं ये कहना चाहूँ कि आप लोग थोड़ा सा लाइक किया करिए हमारी वीडियो को, और मैंने टारगेट रखा है 5,000 लाइक्स का इस वीडियो पे। अगर आपने हमारे चैनल को जल्दी से अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। सबसे पहले अगर यहाँ पर मैं बात करूँ अपने 5वें फ़ोन से, तो वो आता है वीवो का नेक्स, एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन जिसमें आप लोगों को मिलती है 8 GB RAM, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज वेरियंट, बहुत ही कम कीमत पे 40,000 के अंडर ही आता है, जहाँ पे आप लोगों को स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। हाई इन गेमिंग करना हो, या फिर 3D वर्क करना हो, या फिर आपको करना हो मल्टीटास्किंग वर्क, या फिर डे टू डे वर्क में आपको इसको लेना हो, तो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है, जहाँ पर 6.59 इंच की एक फुल HD और सुपर AMOLED डिस्प्ले आप लोगों को देखने को मिलती है इस फ़ोन में, और फ़ोन देखने में बहुत ही ज़बरदस्त है। फ़ोन आप लोगों को फुल HD डिस्प्ले, जहाँ पे फुल डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है, जिसमें पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 12+5 मेगापिक्सल का डुअल प्राइमरी कैमरा मिलता है डुअल कलर LED फ्लैश के साथ, जहां पे फ्रंट में आप लोगों को 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है, जहां पे 4000 mAh की बैटरी मिलती है, जिससे कि आप 2 से 3 दिन वर्क आराम से कर पाते हैं, और साथ साथ फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन इसमें आप लोगों को मिलता है, यानी कि 18W का चार्जर तो आप लोगों को मिलेगा, साथ ही साथ USB Type-C पोर्ट मिलता है। बैक से देखने में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन लगता है, ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसमें पिक्स वगैरह बहुत ही कमाल की आती हैं। अब अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 36,999 यानी 36,999 रुपये की कीमत में आने वाला ये फ़ोन 5वें नंबर पे आता है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। अब हम लोग बात करते हैं अपने 4थे फ़ोन की, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, उसके बाद ही आगे बढ़िएगा। कमेंट करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप इस वक्त कौन सा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। 4था फ़ोन हमारा आता है नोबिया रेड मैजिक 3, एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है, जिसमें आप लोगों को बहुत ही खूबियाँ मिल जाती हैं। 40,000 रुपये की अगर का कीमत में आप एक फ़ोन लेना चाहते हैं तो ये एक आप के लिए ऑप्शन हो सकता है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। चलिए जानते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन। परफॉर्मेंस की यहाँ पर अगर बात करें तो ऑक्टा को 2.8 GHz का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 8455 प्रोसेसर मिलता है, जो कि एक बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर है, जिसमें आप गेमिंग वगैरह बहुत ही आसानी से बिना लैग बिना हीट के बहुत ही आसानी से कर पाते हैं। 8 GB RAM मिलती है, 128 GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है, बहुत ही कमाल की बात है, जहां पर डिस्प्ले आप लोगों को 6.6 इंच की AMOLED डिस्प्ले मिलती है 388 PPI डेंसिटी के साथ। कैमरे की अगर बात करें तो 48 MP का आप लोगों को कैमरा मिलता है रियर में, जिससे आप डिसेंट क्वालिटी के पिक्स ले सकते हैं। फ्रंट में आप लोगों को 16 MP का कैमरा देखने को मिलता है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है, क्विक चार्जिंग, USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को मिलते हैं। बैक में आप लोगों को इसमें आप लोगों को फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, थोड़ा सा लंबा लगता है, क्योंकि 6.6 इंच की आप लोगों को
लंबाई में थोड़ी सी स्क्रीन मिलती है, देखने में फील बहुत अच्छा आता है, पकड़ने में फ़ोन थोड़ा लंबा होता है तो हाथ ऐसे खुलता नहीं है, बहुत ही अच्छा फ़ोन लगता है। चौथे नंबर पे आता है, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 35,999 रुपये की कीमत में ये आप लोगों को मिल जाता है। बात करते हैं अपने तीसरे फ़ोन की जो आता है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन, Xiaomi की तरफ से आने वाला ये फ़ोन ब्लैक शार्क 2 एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है जिसमें आप लोगों को बहुत ही अच्छी स्पेक्स मिल जाती है। प्राइस के मामले में बहुत ही ज़बरदस्त है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो 2.8 गिग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है जो कि बहुत ही लेटेस्ट प्रोसेसर, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर है। गेमिंग वेमिंग करना हो या फिर आपको करना हो कोई हैवी वर्क तो वो सब आप इसमें कर पाते हैं। 6GB रैम और 128GB का इंटरनल स्टोरेज के साथ मिलता है और ये गेमिंग के लिए बना ही फ़ोन है। 6.39 इंचेस की आप लोगों को AMOLED डिस्प्ले मिलती है 403 PPI डेंसिटी के साथ, जिसमें आप लोगों को ब्राइट एंड क्रिस्प डिस्प्ले मिलती है, देखने में बहुत ही एलिगेंट लगता है आप लोगों को। कैमरे की अगर बात करें तो 48+12 मेगापिक्सल का आप लोगों को कैमरा मिलता है। यहाँ पे आप लोगों को LED फ्लैश लाइट देखने को मिलती है, साथ ही साथ 20 मेगापिक्सल का फ्रंट में कैमरा देखने को मिलता है। तो गेमिंग एंड कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त हो जाती है, जहाँ पर 4000 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है, क्विक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है, USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इसमें देखने को मिलते हैं। 40,000 रुपये की कीमत में आने वाला ये फ़ोन आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है, 39,999 रुपए की कीमत में मिलने वाला ये फ़ोन एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। तो अब जानते हैं अपने लास्ट के दो फ़ोन जो कि बहुत ही खास हैं, इनमें आप लोगों को बहुत ही अच्छे स्पेक्स मिल जाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेसर मिल जाता है। सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पर दूसरे फ़ोन की तो जो आता है हमारा OnePlus 7 जो कि बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो ऑक्टाकोर 2.8 गीग्स का आप लोगों को स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम के साथ, 256GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.4 इंच की ऑप्टिक एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है। कैमरे की यहाँ पर बात करें तो 48+5 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है डुअल कलर LED फ्लैश के साथ, जहाँ पर फ्रंट में आप लोगों को 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है। बैटरी की यहाँ पर बात करें तो 3700 mAh की बैटरी मिलती है, डैश चार्जिंग का ऑप्शन मिलता है, USB Type-C पोर्ट जैसे ऑप्शन आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलते हैं। फ़ोन बहुत ही ज़बरदस्त है लुक वाइज भी, और यहाँ पर अगर इसकी प्राइस की बात करें तो 37,999 रुपये की कीमत में आप लोगों को ये मिल जाता है। फ़ोन देखने में बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो अब यहाँ पर अगर हम पहले फ़ोन की बात करें तो वो आता है ओप्पो रेनो 10X जूम एडिशन, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। मैंने इसको पहले नंबर पर इसीलिए रखा क्योंकि इसकी कैमरा परफॉर्मेंस बहुत ही लाजवाब है, साथ ही साथ इसमें आप लोगों को बढ़िया प्रोसेसर और बैटरी लाइफ बढ़िया मिलती है, जहाँ पे वॉक टेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर आप लोगों को मिलता है, 6GB रैम के साथ, 128GB के इंटरनल स्टोरेज के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है जिसमें आप गेमिंग वगैरह और अपने डे टू डे वर्क मल्टीटास्किंग वर्क सभी को बहुत ही आसानी से कर पाते हैं, जहाँ पर 6.6 इंच की बड़ी डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है, सुपर एमोलेड डिस्प्ले आप लोगों को मिलती है, जहाँ पे आप लोगों की अगर बात की जाए कैमरा परफॉर्मेंस तो 48+13+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा मिलता है रियर में, जिससे आप वाइड एंगल पिक्स ले पाते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त पिक्स आती हैं। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट में आप लोगों को कैमरा मिलता है, 4065 mAh की बैटरी आप लोगों को मिलती है, वॉक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट मिलता है, USB Type-C पोर्ट आप लोगों को इस फोन में देखने को मिलता है, इन डिस्प्ले आप लोगों को फिंगरप्रिंट मिलता है, इसमें आप लोगों को पॉपअप सेल्फी थोड़े से अलग टाइप की देखने को मिलती है जो कि इसको बहुत ही कमाल का फ़ोन बनाती है, देखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है फ़ोन। बात करें इसके स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की तो इसका सबसे ज़्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आप लोगों को इस फ़ोन में देखने को मिलता है। प्राइस की अगर बात करें तो 39,990 रुपए की कीमत में आने वाला ये फ़ोन एक बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन है। इस फ़ोन में आप लोगों को बहुत सारी खूबियाँ मिल जाती हैं, तो आप लोग इन पाँचों फ़ोन्स में से कौन सा एक फ़ोन लेना चाहते हैं आप मुझे बताना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप लोगों को कौन सा फ़ोन पसंद आया और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैंने टारगेट तो रखा है 5000 लाइक्स का, मुझे मालूम है आप लोग पूरा कर देंगे। अगर इस वीडियो को अभी तक आपने शेयर नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दीजिए उन लोगों को जो 40,000 रुपये की कीमत में फ़ोन लेना चाहते हैं और कन्फ्यूज हैं। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।